नमस्कार, आज इंडिया डेयर्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरशद माजिद। मैथमेटिक्स की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में दिल्ली के अंदर एक बड़ा नाम, मेरे टीचर भी रह चुके हैं और सर से हमने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर माजिद ने पीएचडी करी आईआईटी दिल्ली से 1980 में और उसके बाद से आज तक एजुकेशन का एक लंबा करियर रहा है। लेकिन डॉक्टर माजिद की शख्सियत सिर्फ मैथमेटिक्स तक सीमित नहीं है। ही इज़ अ थिंकर, ही इज़ अ फिलोसोफर, एक विचारक हैं और इनके अपने कुछ आइडियाज और विचार हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर माजिद से। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक्स अ लॉट एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर मेकिंग आवर करियर। नहीं अब इसमें मेरा पहला प्रश्न आपसे है, आज के हिंदुस्तान को आप कैसा कहेंगे? हमारा मुल्क एक हमेशा से खूबसूरत मुल्क रहा है और यहाँ जो इसका मल्टी कल्चरल जो फॉर्मेट रहा है, जो इसका स्ट्रक्चरिंग रही है मल्टी कल्चरल, हर तरह के, हर मज़हब के, हर फिरके के, हर लैंग्वेज के और सब आपस में, जो आप कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन नटशेल, तो एक खूबसूरत मुल्क रहा है। समय समय पर ये क्राइसिस से गुजरता है और निश्चित रूप से जो भी शख्स इस समय हिंदुस्तान को देख रहा है और जो खालिस हिंदुस्तानी हैं, उसे ये एहसास होगा कि हम कुछ क्राइसिस से ज़रूर गुजर रहे हैं। भले ही ये परमानेंट ना हो, बट द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट ऑल दैट गुड। ये आजकल हम जब टीवी मीडिया पे हम न्यूज़ चैनल्स को ऑन करते हैं और न्यूज़पेपर अखबार उठाते हैं सुबह का, तो हर तरफ हिंदू मुसलमान वाली खबरें, एक तनाव का एक माहौल सा है और उग्र स्पीचेस दी जाती हैं, उग्र वक्तव्य दिए जाते हैं, उग्र डिबेट्स होती हैं। कैसा लगता है आपको इसके बारे में? मैं विवेक आपको ही देखता हूँ, आपको मैं टाइम्स नाउ, रिपब्लिक और बहुत से चैनल्स पे देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो आपको एक तरह से बोलने ही नहीं देते हैं। जिस समय आप बोलते हैं उस समय दूसरों के शोर में आपकी जो रैशनैलिटी है, आपकी आपके व्यक्तित्व में जो एक असाधारणपन है, जो विचारों में, वो कहीं छुप जाता है, तो वो लोग आने ही नहीं देते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हिंदू मुसलमान ये बना रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग उनके लिए क्या है कि अगर हम इसको कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करें तो हिंदुस्तान के तकरीबन सभी मुसलमान कन्वर्टी हुए हैं, जो यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हिंदूज थे उनसे कन्वर्टी हुए हैं। और जब हम कन्वर्ट नहीं हुए थे तब भी वो हमें दबाते थे, हम पे अत्याचार करते थे। जब हमने इस्लाम अपना लिया तो उसके बाद जब तक हिंदुस्तान पर और शासक थे तब तक कम अत्याचार हुए, लेकिन अब जब उन्होंने देख लिया है कि वो बिल्कुल ये वाला जो कन्वर्ट हिंदुओं का ये वाला तबका है जिसको हम मुसलमान कहते हैं, तो उसको तो ज़रा कुछ ज़्यादा ही दबाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम सब यहीं के वासी हैं, हमें उतने ही हक मिलना चाहिए जितने लोगों को, और B.R. अंबेडकर का यही विज़न था, जवाहरलाल नेहरू का यही विज़न था। हालांकि हम नेहरू से चाहे हर बात पे सहमत ना हो, लेकिन इस बात पे ज़रूर हैं कि हमारा मुल्क एक मल्टी कल्चरल सिविलाइजेशन रही है जिसको हमें हर कीमत पर बनाए रखना है। एक पर्टिकुलर नैरेटिव है सर जो हम टेलीविज़न पे देखते हैं और समाज में भी, कि कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को खड़ा होकर के बार बार ये प्रूव करना पड़ता है कि वो इस देश के हैं और पेट्रियाटिक भी हैं? ये तो देखिए, ये तो ऐसा नहीं है कि ये इस सरकार के दौरान है, पिछली सरकारों के समय भी तकरीबन यही हालत थी। फ़र्क ये है कि उस समय हमारी कुछ संस्थाएं ईमानदारी से काम करती थी, बहुत से लेखक थे, बहुत से लेफ्ट विचारक थे, न्यायालय था, बहुत से मतलब विभिन्न संस्थाएं थीं जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती थी। अब ये संस्थाएं या तो हैं नहीं, और अगर हैं भी तो वो इतनी डरी सहमी हुई हैं कि वो अपना अस्तित्व बचाने में लगी हैं, तो वो मुसलमानों का अस्तित्व क्या बचाएंगी?
आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जी तो, मैं समझ रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि कई संस्थाएं, कई ऑर्गेनाइजेशंस जो जी, हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उनको प्रेजेंट जो एक गवर्नमेंट हम कह सकते हैं या वो उसको खत्म कर रही है और अपने हिसाब से कर रही है। अपने हिसाब से तो अब चिंता की ये बात नहीं है कि ये सरकार, वो तो देखिए उनकी एक विचारधारा है, जिस तरह से कांग्रेस की या दूसरी सरकारों की, उन्हें अपनी सरकार अपना वोट बैंक देखना है, तो हम उनको इतना वो नहीं देते। हमारी चिंता का विषय ये है कि जब हम देखें कि न्यायालय के निर्णयों में मतलब जो हमारा सबसे एक वो फेयर वो होना चाहिए जो न्यायपालिका, वहाँ पर कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ कमी आई है और उसकी फेयरनेस में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बाकी आप ये देख लीजिए कि उस समय अगर हम मुसलमान गरीब पिछड़े उस समय अगर वो 50% अनसेफ थे तो अब वो 80% अनसेफ हैं, लेकिन थे तो हर सरकार के ज़माने में, लेकिन उस समय उनकी आवाज़ को सुनने वाला और उनको प्रोटेक्ट करने वाली संस्थाएं थीं। इसमें बस एक बात जो है जो बहुत से विचारक कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के कुछ मुसलमान नेता हों या आपके ओवैसी साहब हो गए, तो ये लोग इन लोगों का एक कह सकते हैं मुस्लिम वोट बैंक पर कब्ज़ा सा हो जाता है और फिर वो जो मुस्लिम समाज है वो एक तरीके से इट बिकम्स वेरी बायस। क्या ऐसा भी कुछ आपको महसूस हुआ? देखिए मैं समझता हूँ कि ओवैसी साहब जैसे लोग या आज़म खान जी, इनकी बहुत कम अपील है। इवन मतलब दूसरी कौमें तो भूल जाइए, मुसलमानों के लिए भी कोई वो बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब वो मैटर नहीं करता। मुसलमानों की लीडरशिप अपनी 1947 के बाद उनकी कोई लीडरशिप नहीं रही है, तो अगर वो वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बहुत छोटे से मुसलमानों के तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल भी कॉन्सिक्वेंशियल या किसी तरह का भी इफेक्टिव वो नहीं है। और ओवैसी साहब को मैं कहूँगा कि कुल मिला के ठीक ठाक बातें वो करते हैं, संविधान के हिसाब से करते हैं। कुछ बातें उनकी जैसे उनके भाई की कही हुई वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल हैं, उन पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं, लेकिन ओवैसी साहब जहाँ तक है असदुद्दीन ओवैसी ठीक ठाक बात करते हैं। आरएसएस का जो एक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, उस हिंदू राष्ट्र में आप अपने को कहाँ पाते हैं सर? हम अगर वो शिवाजी का हिंदू राष्ट्र, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो हमें उसमें भी रहने में कोई एतराज़ नहीं है। अगर हिंदुइज्म अपनी पुरानी ब्यूटी मेंटेन रखे, जिसमें नास्तिकता से लेके कट्टर धार्मिकता तक को स्थान है, तो उस वैसे हिंदू राष्ट्र में शिवाजी वाले, राणा प्रताप वाले, जहाँ जिनकी फौजों में एक बड़ा प्रतिशत मुसलमानों का होता था, चाहे राणा प्रताप हों चाहे छत्रपति महाराज शिवाजी हों, अगर उस तरह का कोई हिंदू राष्ट्र है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे हिंदू राष्ट्र में रहने से, जहाँ पर कानून का राज्य हो। तो लेकिन आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या मैं नहीं समझता, मुझे ब्लंटली नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये वाला हिंदू राष्ट्र मैं नहीं समझता कि मुसलमान क्या, वो हिंदुओं के लिए भी ठीक नहीं है, खासतौर से जो पिछले हुए या जो दबे कुचले हुए हिंदू हैं उनके लिए तो वो उतना ही ख़राब है जितना कि मुसलमानों के लिए। भारत के मुसलमानों को हमेशा पाकिस्तान से जोड़ा जाता है या पाकिस्तान के मुसलमानों से जोड़ा जाता है, तो जब भी कोई टिप्पणी होती है हमारे खासकर हिंदू ब्रिगेड की, तो कहीं ना कहीं से एक पाकिस्तान का नैरेटिव वो ले आते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को हुआ है, वहाँ के मुसलमान भी जो हैं उनको भी फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ का तो भूल ही जाइए। हमने एक आरएसएस और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ के हिंदू हैं उनको ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि भाई ये तो अपना मुल्क ले गए, अब यहाँ इनका क्या काम। तो पाकिस्तान ने ना तो कुछ भी नहीं किया अपने लिए, उसने लिबरलिज्म को ख़त्म किया, उसने सारी कट्टरता को हावी होने दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है, तो पाकिस्तान से जुड़ जाना किसी का भी, चाहे वो मुसलमान क्या कोई भी हो, वो एक नेगेटिव पॉइंट तो बन ही जाता। अब भले ही वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हों, उन्होंने बहुत से मंदिरों को रिपेयर कराया, लेकिन वो अच्छाइयाँ अब उनकी अब दब सी गई हैं,
इस शोर में, ख़ासतौर से जो ये इतना ज़्यादा शोर है मीडिया का या जो मॉडर्न लेखकों का कि इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी एक वॉर छेड़ देना एक किसी मज़हब के ख़िलाफ़, तो इस शोर में वो कुछ सुनाई नहीं देता। अब वो कुछ अच्छा भी करे पाकिस्तान तो वो भी नहीं सुनाई देगा। तो पाकिस्तान से जोड़ा जाना एक उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, तो वो सदा जोड़ेंगे इसको। जी, एक तरीके से विक्टिमाइजेशन हो रहा है कि भारत के मुसलमान को आप पाकिस्तान से बिल्कुल कोई जोड़ने का मतलब ही नहीं है। हमारा ये मुल्क है, हमें यहीं रहना है, चाहे हमें मारा जाए काटा जाए लेकिन हमें यहीं रहना है, अब हमें कहीं नहीं जाना है। ये सदियों से हम यहाँ पर हिंदुओं के साथ मिल के रहते आए हैं। अब वो फ़र्क ये वो कन्वर्ट नहीं हुए, हम कन्वर्ट हो गए। अब एक सवाल और जी, ये डिस्कशन मैं अपने कई मुस्लिम मित्रों से भी करता हूँ, जैदी साहब हमारे दोस्त हैं उनसे भी करता हूँ, एजुकेशनिस्ट हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई को लेकर के एक चिंता का विषय रहा है मुस्लिम समाज के अंदर। जी, देर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन इन द मुस्लिम कम्युनिटी, व्हाई इज़ दैट सो एंड व्हाट आर द रीजंस? ये जो मैंने अभी बात कही कि आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ का जिस सो कॉल्ड निचली कौमें हैं उनमें भी इसी तरह कर रहा है। अगर आप यही अपर कास्ट के मुसलमान ले लीजिए, जो शेख सिद्दीकी खान ख़ास तौर से बिहार और यूपी के, तो वो उतने ही एजुकेशन से लिंक हैं जितना कि अपर कास्ट हिंदू कौम में। तो जो मुसलमानों में जो एजुकेशन की कमी है वो आप कह सकते हैं कुछ तो आप थे, लेकिन फ़र्क ये है कि जो हिंदुओं में जो सो कॉल्ड निचली कौमें हैं उनको अवसर काफ़ी मिले, ख़ास तौर से आज़ादी जो रिजर्वेशन, तो उन्होंने उसका कुछ हद तक फ़ायदा उठाया। मुसलमानों को ये अवसर भी नहीं है और वो बात है, तो मैं नहीं समझता कि एजुकेशन की तरफ मुसलमान मायल नहीं है, हैं, लेकिन अवसर उनके लिए बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, नौकरियों में भी इंस्टीट्यूशंस में भी, तो मुसलमानों को इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन में बिना आगे आए किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए कास्ट से जो कन्वर्जन हुए निचले उसको आप, हाँ, तो हमारा हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग कन्वर्ट होके जो हमारा हक था उससे भी हम खो वो हो गए, पाकिस्तान भी नहीं गए जो मुसलमान, अब वो कहाँ जाएं? तो अब जवाब ये है कि हमें यहीं एजुकेशन को बढ़ा के और सारे सिस्टम से फ़ायदा लेके अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलके उस हक को दोबारा से लेना है। तो आप एक सेकुलर इंडिया में बिलीव रखते हैं? मैं तो एक पैदाइशी नास्तिक हूँ, एथीस्ट हूँ, और रिलीजन को मैं मानता हूँ कि वो लोगों की भलाई के लिए और अच्छाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। जी, मैं अगर विवेक श्रीवास्तव अगर वो हिंदू एथॉस पे बिलीव करते हैं तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि विवेक श्रीवास्तव मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, रिलीजन मेरे लिए क्या है? मैं जानता हूँ कि अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड उसी दिन तक हैं जब तक ये ह्यूमन बीइंग्स है, ये ख़त्म हो जाएंगे, वो अल्लाह भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो अल्लाह एक विचार में है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए रिलीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरे लिए पीपल आर इम्पॉर्टेंट। तो इस समाज के अंदर 1947 के बाद से चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो लेकिन विचारधारा कहीं हद तक लेफ्ट की रहा करती थी। बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ रहे, मिसेज इंदिरा गांधी भी एक तरीके से या नेहरू जी भी थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड ही एक सोच रखा करते थे, और लेफ्ट का मतलब सेकुलरिज्म, लेफ्ट का मतलब एक ऐसा समाज जिसमें हिंदू मुसलमान सब एक समान है। लेकिन आज लोगों के बीच में भी ये सेकुलर विचारधारा और ये लेफ्टिस्ट प्रो लेबर, प्रो वर्कर, प्रो किसान सोच जो है ये समाप्त हो जाएगी, पैसे का वर्चस्व सा बढ़ा हुआ है समाज में, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि लेफ्ट की विचारधारा जैसे एक पूरी मुहिम चलाई गई है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ग्लोबल है और हर जगह जो प्रो पीपल आवाज़ है उसको दबा के पूंजीपतियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो अब उन्होंने इस बुरी तरह से लोगों को, जैसे देखिए मोबाइल लाके और ये PVRs लाके और ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये सब लाके लोगों को, ख़ास तौर से अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा विलन ये मोबाइल है। अब सब लोगों को सब कुछ मोबाइल पे मिल जाता है, गाने भी, मूवीज़ भी, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का, तो बस लोग यही समझते हैं कि एक मोबाइल एक ज़िंदगी है। बाकी लोगों की क्या समस्याएं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग,
और तो मैं समझता हूँ कि लेफ्ट की विचारधारा अभी फिलहाल जब तक पूंजीपतियों का राज है तब तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग किसी भी तरह से हर कीमत पर वो लोग ये जानते हैं कि समाज का शोषण कैसे करना है जी। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें हमें इससे हार नहीं मानना होगा। प्रो पीपल मूवमेंट फिर होंगे और फिर लोग सादगी पे आएंगे, और अगर मैं कहूँ तो अगर अभी भी जो एग्जिस्टिंग विचारधाराओं में, चाहे वो लेफ्ट हो, इम्पीरियलिज्म हो, अभी भी एग्जिस्टिंग बेस्ट हमारा लेफ्टिस्ट थॉट्स ही हैं, जिसमें राज्य जो है किसी भी तरह के अपराध में या उसमें शामिल नहीं होता है। राज्य किसी भी तरह का फ़ायदा अपने या अपने उसके हित के लिए नहीं करता है, सब कुछ प्रो पीपल होता है। तो मतलब थ्योरी में अभी भी लेफ्टिस्ट विचारधारा ही सबसे अच्छी विचारधारा है। तो भविष्य भारत का क्या देखते हैं आप, इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप आने वाले समय में? अंधकार दिख रहा है आपको, जहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन और भौतिकवाद के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा पोलराइजेशन, जो हम जब छोटे हुआ करते थे, आपसे पढ़ते थे, तो कभी इस तरह का पोलराइजेशन हमने तो नहीं देखा था, लेकिन आज हो चुका है। तो भारत का भविष्य आपके नज़रिए से अंधकारमय है या आपको एक उज्ज्वल भविष्य दिख रहा है? अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, हम अभी कोई भी अनुमान लगाना अभी कठिन है, ख़ास तौर से कोविड के बाद से जो सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज हुई है। तो अभी तो हमें मान लीजिए कि अगर हम कोविड से दो ढाई साल में अगर हम मुकाबला कर लें, उसके बाद हम अपने देश का भविष्य हम कुल मिला के ठीक ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन की ज़रूरत है, जिसमें दबे निचले और पिछड़े लोगों को ऊपर आने का अवसर मिले, तभी हमारे मुल्क का जो है वो भविष्य में कुछ नज़र आ सकता है कुछ। तो ये थे डॉक्टर अरशद माजिद, मेरे टीचर, मेरे सर, मेरे फिलोसोफर, मेरे गाइड। और इनके बारे में एक और ख़ास बात है, ये बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, और जब स्कूल से मुझे फेयरवेल मिला था और मैं 12वीं कक्षा में था, तो सर को स्टेज पर बुलाया गया था और सर ने एक गाना गाया था, वो गाना मुझे आज भी याद है, गुजर जाए दिन 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 भाई मान गए। तो मेरी मेमोरी लेजेंडरी है, सर से हम फिर बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू विवेक, थैंक यू, जीते रहो बेटा।